सो गुड डे टू ऑल गाइस, इस वीडियो में बात करूंगा एनोनिमस ग्रुप के बारे में काफी डिटेल में। कौन है, कहां से ऑपरेट होता है इनका ग्रुप, इनका काम क्या होता है, कैसे लोग इनके ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो लास्ट तक देखिए, सारी इन्फॉर्मेशन क्लियर हो जाएगी। कोई भी डाउट होता है कॉमेंट करके पूछ लेना, आपको आंसर मिल जाएगा। गाइस, यहाँ पे बात होती है एनोनिमस। अगर आप इंटरनेट की दुनिया में जानकारी रखते हैं, साइबर सिक्योरिटी, एथिकल हैकिंग और ये सारी चीजों की जानकारी रखते हैं, तो इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। दे आर वेरी मच इंटेलिजेंट एंड स्मार्ट पीपल जो इंटरनेट को एक तरीके का इस्तेमाल करते हैं, और वो भी अपनी आइडेंटिटी को हाइड करके। ये एनोनिमस होते हैं। व्हाइट मास्क, साइड में आप एक देख रहे होंगे, ऐसा एक मास्क लगाया हुआ फेस होता है जिसकी आइडेंटिटी नहीं पता करी जा सकती। ऐसे लोगों को एनोनिमस नाम दिया गया है। मतलब ये इंटरनेट पर करप्शन के खिलाफ लड़ाई लड़ते हैं और अपनी आइडेंटिटी को भी हाइड रखते हैं। ऐसे लोग एनोनिमस कहे जाते हैं। इनका ग्रुप कौन चलाता है या इनका जो भी ग्रुप है, इनका पता नहीं लगाया जा सकता। कौन से लोग इनके ग्रुप को ज्वाइन करते हैं, बहुत ही ब्रीफ में मैं इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। अभी एक छोटी सी स्टोरी सुनाऊंगा जो कि रियलिटी है और बहुत ही इंटरेस्टिंग वो स्टोरी, आपको जरूर सुनना चाहिए। तो कोई भी इनके ग्रुप को ज्वाइन कर सकता है। अगर आप उतना इंटेलिजेंस, उतना स्मार्ट और उस लेवल की इन्फॉर्मेशन आपको इस फील्ड में होती है, तो डेफिनेटली आप ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन कैसे करना है मेरे पास भी आइडिया नहीं है। जब उस फील्ड में या इस पर्टिकुलर नॉलेज के साथ आप इतना एक्सपीरियंस और इतनी स्किल्ड आपके पास हो जाएगी, तो डेफिनेटली आप समझ जाएंगे ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, और जितना ज़्यादा इस पर आप रिसर्च करेंगे जानकारी ले पाएंगे। बट काफ़ी ज़्यादा चीज़ें विकिपीडिया एंड इधर उधर रिसर्च करने के बाद मैं ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। यहाँ पे तीसरा पॉइंट मैं शेयर करूंगा कि जो एनोनिमस होता है, ये हमेशा करप्शन के खिलाफ लड़ाई लड़ता है। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है। 4chan.org पर एक पर्सन ने किसी करप्ट पॉलिटिशियंस के खिलाफ कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर कर दिया। उसके लोगों ने वहाँ पर गाली गलौज उसके साथ स्टार्ट कर दिया, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हुई। तो ये जो वेबसाइट थी उस पर एनोनिमस का कहना था कि, मतलब एनोनिमस का उस वेबसाइट पर ही नहीं बल्कि उसका कहना है या इस ग्रुप का एक ही मतलब फंडा है कि जो इंटरनेट पर इंफॉर्मेशन है वो फ्री होनी चाहिए, या जो नॉलेज है वो फ्री होनी चाहिए। तो सही है, नॉलेज फ्री होनी चाहिए। एंड जो भी इंफॉर्मेशन या जो भी ऐसे लोग जो करप्शन को सपोर्ट करते थे, या बुरे लोग जो अच्छे लोगों को हमेशा परेशान करते थे, ऐसे लोगों के खिलाफ एनोनिमस ग्रुप का हमेशा एक लड़ाई रहता है। तो इस एनोनिमस ग्रुप को बदनाम भी किया गया, बहुत इसके पीछे कंट्रोवर्सी और ये सारी चीज़ें हुई। अगर आप लास्ट तक वीडियो देखते हैं ना, तो मैं एक एक चीज़ को क्लियर कर पाऊंगा। अगर आप वीडियो बीच में छोड़ के चले जाते हैं, तो डेफिनेटली कोई ऐसा पार्ट आप मिस कर देंगे जो कि सिक्योरिटी को बहुत ज़्यादा टच करता है, और मैं पूरी की पूरी एडवांस लेवल पर ये पूरा सीरीज स्टार्ट किया हूं। तो डेफिनेटली आप साथ में बने रहिए अगर साइबर सिक्योरिटी और एथिकल हैकिंग को डेप्थ में सीखना चाहते हैं। तो गाइस, यहाँ पर जो वेबसाइट पर पब्लिकली वो इन्फॉर्मेशन शेयर करी गई थी, उस पर जब गाली गलौज स्टार्ट हुआ, तो एक एनोनिमस नाम की आइडेंटिटी से वहाँ पे एक रिप्लाई आया, और उसने उस अच्छे इंसान के साथ खड़ा हुआ और वो उसके सपोर्ट में काम करने लगा। तो अब ऐसे में क्या हुआ कि वो उसके सपोर्ट में आया, तो उसके साथ भी जो करप्ट बंदे थे उसके साथ भी मतलब कि गाली गलौज ये सारी चीज़ें स्टार्ट किया। तो एनोनिमस ने क्या किया, इन्होंने उस पर्टिकुलर पर्सन की इन्फॉर्मेशन या प्राइवेट इन्फॉर्मेशन को हैक करके अपनी आईडी से वहाँ पे पोस्ट कर दिया। तो अभी तो प्रॉब्लम हो गई यहाँ पे। उसके बाद सारी चीज़ें मतलब समझ में आ गई लोगों को कि हाँ, ये लोग होते कौन हैं और इनसे हमें फाइट करना नहीं करना चाहिए, ये सब उनके समझ में आ गया। उसके बाद उसने वहाँ पे एक कोट्स मेंशन किया जो कि आज भी बहुत ही पॉपुलर है, और कोट्स कुछ इस तरीके से है कि वी आर एनोनिमस, वी आर लीजन, वी डू नॉट फॉरगिव, वी डू नॉट फॉरगेट, एक्सपेक्ट अस। ये बहुत ही पॉपुलर कोट्स रहा, और जो भी इस फील्ड में आता है या जब भी आप इस ग्रुप के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी रखते हैं, तो ऐसा मास्क लगाया हुआ, वॉलपेपर और ये सब लेकर, और ये कोट्स ज़रूर आपने इस्तेमाल किया होगा। तो अब इसके आगे और बात करते हैं, ऐसी वेबसाइट्स वगैरह पर पब्लिकली इंफॉर्मेशन शेयर करना, ये सारी चीज़ें ऐसे लोगों को जो कि करप्शन के सपोर्ट में थे उनको अच्छा नहीं लगा, और उनको एक डर सा था कि ऐसे तो हमारी इन्फॉर्मेशन कभी भी पब्लिक कोई कर देगा। तो उन्होंने इस वेबसाइट को डाउन करने की बहुत कोशिश किया, और ऐसी वेबसाइट्स जो पब्लिक फंड होता था, जो लोग सपोर्ट में एनोनिमस के पैसे पे करते थे, डोनेट करते थे, उससे वो चलता था। तो इस वेबसाइट को जो भी डोनेशन आता था या जो भी इसमें सपोर्ट में लोग पैसे देते थे, ऐसे ट्रांजेक्शन को इन करप्ट लोगों ने रोकने की कोशिश किया। अब वो कोई भी हो सकता है, आप समझ रहे होंगे। ऐसे लोगों ने जब वहाँ पे रोकने की कोशिश किया, तो प्रॉब्लम ये हुआ कि अनोनिमस ने ऐसे सर्वर को या गेटवे को हैक किया और अपने ट्रांजेक्शन को फिर अप्लाई कर लिया, एक्सेस कर लिया। तो कोई इनको रोक नहीं पाया।
तो इस तरीके से इनका कुछ ग्रुप रहा और ये सारी चीज़ें, बट कहानी यहाँ पे थोड़ी सी बदलती है और इनके साथ कंट्रोवर्सी स्टार्ट होती है। स्टार्ट तो कुछ अच्छे लोगों के साथ हुआ था कि अच्छे लोगों की भलाई के लिए ये ग्रुप काम कर रहा है, उनके सपोर्ट में ये ग्रुप काम कर रहा है, लेकिन प्रॉब्लम तब हुई जब उसी में से कुछ ऐसे लोग हो गए जिन्होंने ब्लैक मार्केटिंग एक तरीके का करना स्टार्ट कर दिया। मतलब उन्हीं में से कुछ ऐसे लोग जो मतलब मजे के लिए, या जो लोग बोल सकते हो कि एक तरीके का लोगों को एक तरीके का लूटने का काम कर दिया इस तरीके का, तो ऐसे लोग मतलब कि ऐसे ग्रुप को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम भी क्रिएट किए, और फिर भी ये ग्रुप अभी भी कहीं ना कहीं ऑपरेट होता है और करप्शन के खिलाफ लड़ाई लड़ता है। और जो भी इसमें गंदे लोग या मतलब बोल सकते हैं कि जो निगेटिव थॉट्स के लोग हैं, ऐसे लोगों का कभी कुछ नहीं किया जा सकता। गवर्नमेंट उनको ज़रूर अरेस्ट कर लेती है, और ऐसे बहुत सारे लोग अरेस्ट हो भी गए हैं जो लोग लोगों को लूटते हैं और ये सारी चीज़ें। लेकिन अगर आपके पास नॉलेज है, स्किल है, और लोगों को आप सपोर्ट करते हो, तो डेफिनेटली देर इज़ नो प्रॉब्लम, आप उनको सपोर्ट कर सकते हो, आप लोगों की भलाई कर सकते हो, गवर्नमेंट को सपोर्ट कर सकते हो, अगर आपके पास उतनी स्किल है तो आप देश को आगे ले जा सकते हो। ये सारी चीज़ें भी बीच में आती हैं। तो अब यहाँ पे बात ये होती है कि ऐसे ग्रुप या ऐसे बैड लोग कैसे पहचाने जाते हैं, वह सारी चीज़ें। तो डेफिनेटली जहाँ पे थोड़ा बहुत अच्छा अच्छे लोग होते हैं, वहाँ पे कुछ करप्ट लोग भी ज़रूर होते हैं, या कुछ नेगेटिव थॉट्स के लोग ज़रूर होते हैं। तो एक वाइट मास्क के साथ आपने कुछ रेड मास्क या कुछ ब्लैक मास्क ऐसा देख लिया, वो लोग भी अपनी आइडेंटिटी को हाइड करके लोगों को लूटने का काम करते हैं, करप्शन को सपोर्ट करते हैं और ये सारी चीज़ें। फिलहाल इनकी स्टोरी कुछ ऐसे ही है। और भी इसके बारे में जानकारी आप रखना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम इसके बारे में और भी डिटेल में आप लोगों को बताएंगे। और बहुत ही ब्रीफ में मैंने ये पूरा का पूरा एनोनिमस ग्रुप को आपको इन्फॉर्म किया, आपको बताया ये सारी चीज़ें। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर सपोर्ट करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।